एक तरफ तेलंगाना के विधानसभा चुनाव की तारीख काफी नजदीक है, 30 नवंबर के दिन तेलंगाना में मतदान होने जा रहे हैं। वहीं दूसरी ही तरफ सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन चुका है AIMIM के फायर ब्रांड नेता अकबरुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो, जिस वीडियो में वह एक पुलिस अधिकारी को धमकाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जरा देखिए कि किस तरह से अकबरुद्दीन ओवैसी ने एक पुलिस अधिकारी को धमकाया है। चलिए कमजोर करने के लिए होशियार रहो। ये चाहते हैं कि अकबरुद्दीन ओवैसी से मुकाबला करने वाला कोई नहीं है तो ये लोग कैंडिडेट बनकर आ रहे हैं। आ जाओ, देख लेते हैं तुम भी तैयार। हम मुनज़्ज़म रहो, मुत्तहिद रहो, जवाब ताकत है, जमात को मजबूत रखो और कोई कुछ करने वाला नहीं। ने देखा कि किस तरह से अकबरुद्दीन ओवैसी पुलिस इंस्पेक्टर पर भड़कते हुए नजर आए हैं और इस वीडियो के सामने आने के बाद अब उनकी उम्मीदवारी खतरे में पड़ती हुई नजर आ रही है। दरअसल आपको बता दें कि 22 नवंबर के दिन अकबरुद्दीन ओवैसी हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे और उस दौरान एक पुलिस इंस्पेक्टर को उन्होंने खुलेआम धमकी दे दी। पुलिस इंस्पेक्टर ने जूनियर ओवैसी को राज्य में लागू आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए कहा था। अधिकारी का कहना था कि उन्हें अब अपना भाषण रोकना चाहिए क्योंकि वह आदर्श आचार संहिता के तहत तय की गई समय सीमा को पार कर चुके हैं। इस पर हैदराबाद में जनसभा को संबोधित करते हुए ओवैसी ने पुलिस अधिकारी को वेन्यू से जाने तक के लिए कह दिया और अब देखा जाए तो उनकी उम्मीदवारी खतरे में पड़ चुकी है। दरअसल आपको बता दें कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने अपनी बात रखी है। उनका कहना है कि अगर ये मामला असम का होता तो 5 मिनट के भीतर सुलझा लिया गया होता। अगर यही चीज असम में हुई होती तो 5 मिनट में मामला सेटल हो जाता। तेलंगाना में तुष्टिकरण की राजनीति के कारण ना तो BRS और ना ही कांग्रेस कुछ कह रही है। अगर खुलेआम पुलिस को धमकी दी जा रही है तो लोगों को भी खतरा महसूस ही होगा। आपको बता दें कि हेमंत विश्व शर्मा चुनाव आयोग तक पहुंच चुके हैं। चुनाव आयोग से अकबरुद्दीन ओवैसी की उम्मीदवारी रद्द करने की भी उन्होंने मांग की है। वहीं दूसरी ही तरफ अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मामला भी दर्ज हो चुका है। साउथ ईस्ट जोन के DCP रोहित राजू ने बताया कि ओवैसी के खिलाफ IPC की धारा 353 के साथ अन्य धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मामला दर्ज हो जाने के बाद अकबरुद्दीन ओवैसी ने DCP और पुलिस पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए कहा कि DCP और पुलिस झूठ बोल रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो अब यहाँ पर क्या कुछ अहम फैसला सामने आएगा ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। आखिरकार क्या वाकई में इनकी उम्मीदवारी जाती हुई नजर आएगी, क्योंकि तेलंगाना से BJP का कहना साफ तौर पर रहा है कि बुलडोजर की कार्यवाही होगी। तेलंगाना BJP का कहना है कि दशकों से कांग्रेस और BRS के सपोर्ट से AIMIM का एक क्रिमिनल एंटरप्राइजेस बन गया है।
इसने हैदराबाद शहर को वंचित और अपराध ग्रस्त कर रखा है। जानबूझकर पैदा की गई इस गंदगी को साफ करने का वक्त आ गया है। बीजेपी सरकार में अकबरुद्दीन की इस हरकत पर बुलडोजर से जवाब भी दिया जाएगा। अब ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार यहां पर क्या कुछ अहम फैसले लिए जाते हैं। आपको बता दें कि अकबरुद्दीन ओवैसी चंद्रयान गुट्टा निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवार हैं। ये सीट AIMIM का गढ़ रही है। पार्टी ने बीते पिछले दो विधानसभा चुनाव में 2014 और 2018 में इस क्षेत्र से जीत हासिल की है, तो इस बार यहां से ओवैसी चुनाव लड़ रहे हैं। क्या वह जीत हासिल कर पाएंगे या फिर नहीं, या फिर चुनाव से पहले ही उनकी उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी, क्या एक्शन होगा चुनाव आयोग का, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।